संकीर्तन की शील प्रभुपाद की हिताई गौर प्रेमानंदे श्रीमद् भगवद गीता आज है अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 3। आरुरुक्षोर मुनेर योगम आरुरुक्षोर मुने आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्मा कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समा कारणमुच्यते आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समा कारणमुच्यते आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समा कारणमुच्यते भगवान इस श्लोक में कहते हैं आरुरुक्षो कहते हैं जो योग के सीढ़ी पे चढ़ना चाहते हैं, यानी योग साधन करने के जो इच्छुक योगी हैं, मुने यानी कि मननशील योगी, योगम योगम यानी ध्यान योग, यानी जो योग में आरूढ़ होने के जो इच्छुक जो मननशील योगी हैं उनके लिए साधन क्या है, कर्मा कारण उच्यते, उनके लिए कर्म ही साधन बताए गए हैं। कौन से कर्म? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म यानी फल से अनासक्त हुए बिना और कर्ता भाव से रहित होकर इस प्रकार की चेतना में रहकर ऐसे आरुरुक्षु यानी कि अभी अभी उसने योग साधन प्रारंभ किया है तो उससे आशा की जाती है कि वो निष्क्रिय होकर ना बैठे, अभी वो कर्म करे, क्योंकि अभी उसकी वो अवस्था नहीं आई है कि वो बस बैठकर ध्यान में डूब जाए। लेकिन इसके विपरीत योगारूढ़स्य तस्यैव, लेकिन जो योग में आरूढ़ हो चुका है, योगा की तुलना एक सीढ़ी से की जाती है, तो सीढ़ी के जो नीचे वाले स्टेप पे है, जो नीचे के पायदान पे है, वो कौन है? वो है आरुरुक्षो। और जो उस सीढ़ी के सबसे ऊंचे पायदान पे पहुंच चुका है वो कौन है? योगारूढ़स्य यानी कि योग पे पूरी तरह से आरूढ़ हो चुका है अभी, तो उसके लिए क्या साधन है? योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। समः यानी कि जो भी भौतिक कार्यकलाप हैं, जो विक्षेप उत्पन्न करने वाले हैं,
उससे वो विरक्त हो जाता है, वो ऐसा कोई कार्य नहीं करता, वो बैठकर ध्यान कर सकता है, क्योंकि उसने अपने पूर्णतया उसने मन को, अपनी इंद्रियों को और अपने बुद्धि को नियंत्रित किया है। तो आरुरुक्षोर मुनिर्योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणम उच्यते। यानी प्रारंभिक अवस्था में जो अभी अभी योग प्रारंभ किया है उसके लिए कर्म करने से उसका हृदय शुद्ध होगा। कर्म करने से यानी कैसा कर्म? निष्काम कर्म करने से, यानी निस्वार्थ भाव से परोपकार का ही कार्य करे, क्योंकि इसके पास तो अभी भगवान की सेवा की भावना नहीं उत्पन्न हुई है। लेकिन ठीक है, ऐसा योगी इस प्रकार के भी यदि कार्यों में संलग्न होता है, अपने लिए नहीं करता, तो धीरे धीरे उसके भी हृदय शुद्ध होता है। हृदय से जो वासनाएँ हैं, जो संचित वासनाएँ हैं, वे धीरे धीरे मिटती हैं। तो जो विक्षेप उत्पन्न होता है मन में, वो विक्षेप कम होता है। फिर जब योग की परिपक्व अवस्था में स्थित हो गया योगारूढ़स्य, तो वहां पे वो शांति से घंटों बैठकर समाधि में रह सकता है। तो यही कारण है कि योग के प्रारंभ में चूंकि साधक की इंद्रियां और मन बहुत ही चंचल हैं, तो उसे नाना प्रकार की सेवा में भी नियुक्त किया जाता है, क्योंकि अत्यधिक समय तक वो शांति से प्रभु का स्मरण नहीं कर सकता है। क्योंकि सामान्यतः हम सभी शरीर के तल पे जीते हैं, तो जब शरीर अपने आप को शरीर समझते हैं, तो शरीर को सेवा में लगाना आवश्यक है। तो कोई पूछ सकता है कि नहीं, हम तो सीधे ध्यान कर्म में उतरेंगे, क्या जरूरत है निष्काम कर्म करने की? ये तो बहुत नीचे का स्तर है, निष्काम कर्म की तो कर्म योग हो गया, हमें तो ध्यान योगी बनना है, हम तो सीधे बैठकर ध्यान करेंगे। भगवान कहते हैं नहीं, अर्जुन चूंकि युद्ध से पलायन करके संन्यास लेना चाहता था, तो भगवान ने पिछले अध्याय में कहा था कि नहीं, तुम्हारा युद्ध करना भी इस सन्यासी का कार्य है, ये योगी का कार्य है। और ये अभी भी भगवान कह रहे हैं कि अभी तुम उस अवस्था को प्राप्त नहीं किए हो, तुम योगारूढ़स्य के तल पे नहीं हो, तुम गृहस्थ हो, तुम्हारा स्वधर्म है धर्मयुक्त युद्ध करना, इसलिए तुम अपने इस स्वधर्म का पालन करो, निष्काम भाव से तुम युद्ध करो, यानी कि जीत और हार का विचार किए बिना बस युद्ध के लिए युद्ध करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। यानी कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का अनासक्त भाव से बदले में क्या मिलेगा इसका विचार किए बिना उसका ठीक ठीक पालन करता है, तो समझना चाहिए वो भी योगी है। तो अंतर क्यों है? क्योंकि अवस्था अलग अलग है। जैसे मानो कोई छोटा बच्चा है, तो उसके लिए दूध ठीक है, कुछ पाउडर मिलाकर उसको दूध पिलाया जाता है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने लगता है, कॉलेज जाने लगता है, खेल कूद करता है, होमवर्क पूरा करता है, अब उसको दूध नहीं पिलाया जाता, उसके लिए रोटी में मक्खन लगा के सब्जी और भी कई प्रकार की चीज़ें खिलाते हैं। अब उसको यदि केवल दूध पिलाएंगे तो कमज़ोर हो जाएगा वो, और यदि वो जो मक्खन लगा हुआ जो रोटी है, वो रोटी यदि शिशु को खिलाएंगे तो हो सकता है बीमार पड़ जाए, मर भी सकता है, क्योंकि इसका अभी क्या है, डाइजेशन उतना स्ट्रांग नहीं है। उसी प्रकार जो जिसने अभी अभी योग प्रारंभ किया है, वो बैठकर लंबे समय तक ध्यान नहीं कर सकता, यदि बैठ भी जाएगा तो इंद्रिय भोग का विचार आएगा उसके मन में, इसलिए शरीर को भगवान की सेवा में लगाना परम आवश्यक है। तो धीरे धीरे योग में जैसे जैसे हमारी प्रगति होती है, तो फिर एक ऐसी स्थिति आती है जब व्यक्ति 24 घंटे भगवान की सेवा में तल्लीन रहता है। हालांकि श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभिक अवस्था से ही समाधि में स्थित रहता है, क्योंकि वो हमेशा भगवान का दर्शन करता है, भगवान का गुणगान करता है, भगवान का नामोच्चारण करता है, तो उसकी चेतना तो ऐसे ही भगवान से युक्त रहती है, तो वो खुले आँख की समाधि में लीन रहता है। हम और आगे देखेंगे कि जिसने योगारूढ़स्य की स्थिति पा ली है तो उसके क्या लक्षण हैं, तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।